अगर आपने NSDL की किसी भी प्रकार की सर्विस का उपयोग करके पैन कार्ड के लिए आवेदन किया था, आवेदन के बाद जो पैन कार्ड आपको घर पे मिलना था वह किसी भी कारणवश आपको नहीं मिल पाया और वो आपका रिटर्न हो गया है, अब आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है, तो उस मामलों में उस पैन कार्ड को वापस ऑनलाइन ऑर्डर करके किस प्रकार से आप मंगा सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करके पैन कार्ड मंगवाएंगे तो वो पैन कार्ड उसी एड्रेस पे आएगा जो एड्रेस आपने पैन कार्ड बनाने के दौरान दिया था, तो उसी एड्रेस पे वापस आपको ये मिलता है। तो ऑनलाइन ऑर्डर आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस करके मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपका पैन कार्ड खो जाए, ख़राब हो जाए, तो उस मामलों में भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप एक नया पैन कार्ड मंगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन नए पैन कार्ड के लिए आप ऑर्डर करेंगे। इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे पैन कार्ड के लिए C2 जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है NSDL का पैन कार्ड ऑर्डर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पैन कार्ड संख्या डालेंगे, यहाँ पे आपको आधार कार्ड संख्या डालनी है, उसके बाद यहाँ पे आपका मंथ लिखना है जन्म का और उसके आगे वाले भाग के अंदर ईयर लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो कैप्सा कोड दिखाई दे रहे हैं इसे यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका प्रीव्यू इस प्रकार से दिखाई देगा, देख लेंगे आपके मोबाइल फ़ोन नंबर सही बता रहे हैं या फिर नहीं बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे अंतिम नंबर सभी दिखाई दे रहे हैं, इससे आप वेरीफाई कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर आपके कंप्लीट दिखाई देंगे, जो कि पैन कार्ड नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जो ईमेल आईडी आवेदन के वक्त देते हैं उसके ऊपर आपका पैन कार्ड मिला हुआ होगा, डिजिटल कॉपी वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक ऑप्शन लेंगे, ईमेल, मोबाइल फ़ोन नंबर और एक OTP नंबर भेजेंगे, तो दोनों में से किसी पर भी OTP नंबर भेज सकते हैं। तो जो ईमेल आपने दिया था आवेदन के वक्त उसके ऊपर भेज सकते हैं या फिर मोबाइल पर भी भेज सकते हैं। अगर ईमेल व मोबाइल गलत है तो उस मामलों में आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है क्लिक हेयर का, यहाँ पे क्लिक करके उनको अपडेट करना होगा तो भी आपको नया मिल जाता है। तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आप जस्ट, उसके बाद एक OTP नंबर आपको प्राप्त होंगे, वह OTP नंबर आप जस्ट यहाँ पर दर्ज करेंगे। OTP नंबर यहाँ पे दर्ज करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो अगले वाले भाग के अंदर इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। इसके अंदर आप पेमेंट ऑप्शन ले लेंगे, दोनों में से पेटीएम से भी कर सकते हैं, बिलडेक्स से भी कर सकते हैं, बिलडेक्स बेस्ट रहता है तो मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद अंत में आके जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट 50 रुपये का आपका लगेगा तो पे कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जस्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे इसमें से जो भी पेमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, वॉलेट या फिर UPI, तो UPI वाला सबसे बेस्ट है, यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद ये कोड आपको अपने मोबाइल में स्कैन करके पेमेंट करना है, तो 100 पे क्लिक करना है, इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद मोबाइल के अंदर फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम वगैरह ओपन करके इस कोड को स्कैन करना है, अपने पिन कोड डालना है। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ से जो स्क्रीन है ये चली जाएगी और आगे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यह जैसे ये कंप्लीट हो चुका है, मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएंगे। एक मिनट का यहाँ पे समय बताता है, आप थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करने के बाद आप जस्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे एक नए वाले पेज पे, जहाँ पे आपने पेमेंट किया है वो दिखाई देगा, जिसे आप कंफर्म कर लेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जनरेट एंड प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, रिसिप्ट आपको इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी, ये देख सकते हैं ये रिसिप्ट है, तो इसकी प्रिंटआउट आपको निकाल लेनी है और अपने पास सुरक्षित रख लेनी है, और जो पैन कार्ड है जो कि आपके आधार, सॉरी दोस्तों, पैन कार्ड के अंदर जो एड्रेस दर्ज है उसके ऊपर भेज दिया जाएगा। ये तरीका था ऑनलाइन पैन कार्ड को ऑर्डर करने का। एक बार आपका ऑर्डर हो गया उसके बाद जो कि एड्रेस आपके पैन कार्ड के अंदर दर्ज है उस एड्रेस पे यहाँ पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, तो वहाँ से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पैन कार्ड के अंदर एड्रेस सही दर्ज नहीं है तो उस मामलों में आपको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है, आपको करेक्शन के अंदर अप्लाई करके आप आवेदन करेंगे तो ही आपको अपने एड्रेस पे पैन कार्ड मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। इसके अलावा नया पैन कार्ड बनाना सीखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, करेक्शन करना सीखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। तो बाय बाय दोस्तों।